Hello everyone, welcome back to my channel, My Charming Secrets. हेयर फॉल हो गए हैं आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गाइस जहां तक भी देखते हैं झड़ते बालों से हर कोई परेशान है और बहुत सी मार्केट ऑयल यूज़ करते हैं हेयर फॉल को कम करने के लिए, जिससे कुछ टाइम के लिए हेयर फॉल होने बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस ऑयल का यूज़ करना छोड़ देते हैं तो फिर से हेयर फॉल ऐसे ही होने लगते हैं और साथ ही हेयर डैमेज भी हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑयल में बहुत से केमिकल यूज़ किए हुए होते हैं जो कि हमारे बालों को ख़राब कर देते हैं। सो गाइज आज मैं आपके लिए एक इफेक्टिव हेयर ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ जिसे आप अपने घर पर ही बनाकर यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो आपको आपके किचन से आसानी से मिल जाएंगे। सो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस हेयर मास्क को कैसे बना सकते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको एक मीडियम साइज़ का आलू लेना है और उसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको इस आलू को पील नहीं करना है, विदाउट पील किए ही आपको इसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपको लेना है एक ऑनियन, ऑनियन को पील कर लेना है और इसके बाद आपको हाफ ऑनियन को कद्दूकस की हेल्प से कस लेना है। अब आपको आलू के पीसेस को एक पैन में डालकर उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर लेना है और फिर आपको इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाना है। पोटैटो के अंदर विटामिन सी, विटामिन बी जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। पोटैटो जूस बालों की लेंथ को सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाता है और बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये हेयर फॉल को बहुत जल्दी प्रॉपर्ली ख़त्म कर देता है। इसके बाद आपको देखना है जब ये पानी बॉइल होने लगे तो आपको इसमें कद्दूकस किए हुए ऑनियन भी मिक्स कर देने हैं और फिर 3 से 4 मिनट तक आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट को बॉइल करना है। ऐसा करने के बाद आपको गैस ऑफ कर देना है और हेयर मास्क को एक बाउल में छान लेना है। और फिर इसमें 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल मिक्स कर लेना है। गाइस अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप कैस्टर ऑयल परचेज करना चाहें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये हेयर मास्क हल्का गर्म रह जाए तो आपको इसे स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लेना है और फिर आपको स्प्रे बॉटल की हेल्प से इस हेयर मास्क को अपने बालों की जड़ों और लेंथ पर अच्छे से लगाना है। 1 घंटे के लिए ऐसे ही लगा रहने देना है। 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेना है। गाइस आपको इस हेयर मास्क का यूज़ वीक में एक बार करना है। इस हेयर मास्क के यूज़ से कुछ ही टाइम में आपके हेयर फॉल होने बंद हो जाएंगे और अगर आपके हेयर डैमेज हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। सो आप इस हेयर मास्क का यूज़ ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।